आप हजरात के सामने जिक्र किया था कि इंसान को अपने भाषण की जिंदगी, अपनी घरेलू जिंदगी, अपने मोहल्ले की जिंदगी किस अंदाज में गुजारनी चाहिए। और मेरे ख्याल के अंदर आज के दौर में इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इंसान अपने घर वालों के साथ, अपने मुआशरे में, गली मोहल्ले में, अपने ऑफिस वगैरह में जहां पर काम करता हो, अपने लोगों के साथ एक इस्लामी तर्ज जिंदगी गुजारे, इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो यकीन जानिए, जिस इदारे में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस गली के अंदर मेरे आका के फरामीन, मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी, यकीन जानिए कि उस गली, उस मोहल्ले और उस घराने में लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ी अहम बात होती है कि जहां इंसान आपस में मुद्दत और मोहब्बत के साथ रहते हो, वहां मेरा अल्लाह अपनी रहमतें, इनायतें और शफ़क़तें उतारा करता है। बरकत के उतरने का बुनियादी सबब एक आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का होना भी है। मेरे आका ने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यदुल्लाहु अला जमा, मेरे अल्लाह का हाथ जमात पर होता है। हाथ का मतलब ये नहीं कि इस तरह आपका ये मेरा ये हाथ है, ये हाथ मेरा अल्लाह जमात में रख ली, ऐसा मतलब नहीं है। बल्कि मतलब ये है कि हम अगर किसी शख्स के बारे में कहें फला इतना पावरफुल क्यों है, इसलिए कि वजीर आजम का उसके ऊपर हाथ है। फला इतनी टोल क्यों है, इसलिए कि एमएलए का उसके ऊपर हाथ है। मतलब उसकी पावर, उसकी तवज्जो, उसको ताकत के मिलने का बुनियादी सबब वो एमएलए या वजीर आजम या बड़े लोगों की तरफ हो गया। बिल्कुल इसी तरह मेरे आका ने फरमाया, यदुल्लाह अला जमा, मेरे अल्लाह का हाथ जमात पर है। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, शुरहा ने इसका मतलब यही बयान फरमाया, इत्तेहाद और इत्तेफाक अगर होगा तो मेरा अल्लाह इनके ऊपर अपनी खुसूसी शफकत, रहमत और बरकत उतारे। अब यकीन कीजिए, घरों के अंदर देख लीजिए कि जिस घर के अंदर आपस में प्यार है, जिस घर के अंदर आपस में ताल्लुक है, एक दूसरे का एहसास है, छोटा बड़ा आपस में रुतबे का ख्याल रखा जाता है, इस घर के अंदर तंगी कभी नहीं आ सकती, इस घर के अंदर नफरतें कभी परवाह नहीं चढ़ती, इस घर के अंदर कभी लड़ाइयां नहीं हुआ करती। हाँ, जिस घराने के अंदर हर बंदा एक नवाब बनने की कोशिश करे, हर बंदा ही अपने के अंदर आने की कोशिश करे, दूसरे की बात को सही